अमेठी में रहने वाले आरिफ को कौन नहीं जानता, जो पिछले कुछ दिनों से काफी चर्चा में है, जिसकी वजह है वह सारस। आरिफ और सारस की दोस्ती पूरी दुनिया के लिए मिसाल बन गई है, जिसके बाद अखिलेश यादव भी उनसे मुलाकात करने अमेठी पहुंचे थे, लेकिन अब उनकी दोस्ती को शायद सरकार की नजर लग गई और वन विभाग की टीम को भेजकर आरिफ और सारस को हमेशा के लिए जुदा कर दिया। और आज वन विभाग की टीम के घर पे पहुंची और कानूनी कार्रवाई करते हुए उस सारस को वन में छोड़ने के लिए ले गए। लेकिन सवाल ये उठता है, अगर आरिफ उस सारस को जबरदस्ती अपने पास रखते तो वन विभाग की टीम उसे ले जा सकती थी, लेकिन यह सारस तो अपनी मर्जी से उनके पास रहता था, तो वन विभाग की टीम उसे आरिफ से कैसे अलग कर सकती है। लेकिन फिर भी आरिफ को सिग्नेचर करने पड़े और वन विभाग की टीम सारस को ले गई। इसके बाद आरिफ का रो रो के बुरा हाल हो गया, और हो भी क्यों ना, क्योंकि जिसके साथ खाना सोना और टहलना आरिफ के लिए सारस सब कुछ था, आज वह उससे जुदा हो गया तो रोना तो आएगा ही। इसके बाद लोगों ने भी सरकार के इस फैसले पर नाराजगी जताई, और एक यूजर्स लिखते हैं, सारस इतना आरिफ भाई के साथ खुश था उतना कहीं खुश नहीं रहेगा, जहां सरकार को काम करना चाहिए वहां तो निठुल्ले निकम्मे हो जाते हैं, और जहां नहीं करना चाहिए वहां शुभ चिंतक बने फिर रहे हैं। वहीं एक यूजर्स लिखते हैं, निष्ठुर हैं वन विभाग वाले, सारस तड़प तड़प कर अपने दोस्त के बिना मर जाएगा, फिर उसके जिम्मेदार वन विभाग वाले ही होंगे। ऐसे ही ढेर सारे यूजर्स ने अलग अलग कमेंट किया और सभी ने इस कृत्य को गलत बताया। आपको दिखाएंगे सारस को ले जाते हुए वन विभाग टीम का वीडियो, उससे पहले आप बताएं आरिफ और सारस को अलग करना वन विभाग द्वारा उठाया गया कदम क्या सही है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। चलिए दिखाते हैं आपको वो वीडियो। ये है, हेलो दोस्तों, आज सरकार की तरफ से आदेश आ गया कि जो मेरा सारस पक्षी है मेरे साथ नहीं रह सकता, इसको लेकर जा रहे हैं ऊंचाहार समस्तपुर बिहार, उसके पीछे पीछे हम जा रहे हैं देखने उसको। ये जो आगे गाड़ी चल रही है, इसी गाड़ी के अंदर है वो, तड़प रहा है अंदर, किसी के अंदर रखा गया है उसको। आगे जो गाड़ी चल रही है वो डॉक्टर साहब है कोई, और पीछे एक गाड़ी है, दिखाओ पीछे एक गाड़ी है, वो सीएमओ की साहब की गाड़ी है। आगे का नाम, आगे गाड़ी चल रही, इसी गाड़ी में है मेरा दोस्त, जिसको लेकर जाया जा रहा है समस्तपुर। वो बोले यहाँ से अच्छा वहाँ रहेगा, उसको आराम रहेगा वहाँ पे। और कुछ बोल नहीं पा रहे हैं अब हम, ठीक है।